Hello, my dear viewers. Hello to my all students. English fascination में इस कड़ी में जहां हम English speaking को एक fashion की form में पढ़ रहे हैं कि हमें आना चाहिए, क्योंकि आज communication की सबसे strong language में English कहीं ना कहीं अपनी market बना चुकी है. तो yes, you raise your hand immediately and you join with me. छोड़िए मेरे साथ, कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग्स यूज करेंगे हम, कुछ ऐसे सेंटेंस फॉर्म करें जिन्हें आप इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, और अगर आप इन्हें इंडिविजुअल बोलना चाहें तो बोलिए, या फिर आप इन्हें सेंटेंस की फॉर्म में भी यूज करिए. और अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर कनेक्ट करता है तो मैं आपकी मेंटर विजेता सिंह, फटाफट मेरे साथ जुड़िए और लाइक करते रहिए मेरे वीडियोस. देखिए, Whereabout बहुत बढ़िया ऐसा एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है यार तुम्हारे तो अता पता ही नहीं है, कोई झोर ठिकाने है क्या, कहाँ मिलोगे, कभी तो बता दो. जब भी हम लोग ऐसी अता पता या झोर ठिकाने की बात करते हैं तो whereabout, मैंने सेंटेंस एग्जांपल में यूज किया है, whereabout do you come from, तुम कहां से आते हो, पता ही नहीं चलता कहां से आते हो, कहां को चले जाते हो. whereabout को यूज करेंगे तो फर्स्ट वर्ड की whereabout, तुम कहां से आते हो, इसके लिए. अब देखिए, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि whereabout you यार, आजकल कहां हो तुम, तो दैट्स इट. आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं. अल्टीमेटली मींस अल्टीमेटली, अंततः या फिर आखिरकार. आखिरकार होता वही है जो गॉड चाहता है, अंततः होता वही है जो आपके लिए बेटर होता है. तो दैट्स इट, वहां यूज करेंगे. अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड टू डू हिज वर्क, अंततः उसे ही अपना काम करना पड़ा. तो जब उसे ही अपना काम करना पड़ा तो यहां हमने यूज किया अल्टीमेटली. या फिर मैंने एक सेंटेंस दिया आपको कि अल्टीमेटली होता वही है जो रब चाहता है, जो गॉड चाहता है, तो वहां पर भी यूज करिए. अब देखिए नेक्स्ट वन, अभी मैंने बोला था इंडिविजुअल, कोई अकेला या फिर कोई बिल्कुल अलग थलग है, व्यक्तिगत जहां पे बात करते हैं, इट्स योर इंडिविजुअल ओपिनियन, तुम्हारा इंडिविजुअल ओपिनियन है, तुम्हारे इंडिविजुअल थॉट्स है. तो इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत या फिर अकेला, आपको ऐसे यूज करना है. एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू स्पीक, प्रत्येक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपने जैसा चाहे वैसा बोल सकता है. प्रत्येक व्यक्ति को राइट टू स्पीक मिला हुआ है कि वो जो चाहे वो बोल सकता है. तो ऐसे आपको भी यूज करना है कि हर किसी के पास अपने अपने राइट्स है. और कई बार तो हम बोलते हैं कि यार तुम्हारे इंडिविजुअल थॉट्स ना बिल्कुल डिफरेंट है, कि तुम इंडिविजुअल ही हो जो सोसाइटी से अलग जाते हो. और हम इंडियंस, मैं बहुत प्राउड से बोलती हूँ कि वी आर इंडियन एंड वी प्राउड आवर कंट्री. तो क्यों बोलती हूँ ये मैं, बिकॉज जब कभी पूरी दुनिया की बात आए तो कम्युनिकेशन इज द स्ट्रॉन्गर पोर्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी. तो आप अपने आप को प्रूफ जरूर करिए कि यस आई न्यू इट, लेकिन अपनी परंपरा बिल्कुल मत छोड़िए. क्योंकि देखिए, हमें सीखना होगा कि उन इंडिविजुअल्स ने, कुछ इंडिविजुअल्स ने प्रेजेंट किए, स्वामी विवेकानंद इंडिविजुअल, उन्होंने प्रेजेंट किया इंडिया को, तो आप में भी वो है, करते रहिए. रिलीजियस, देखिए इस शब्द की बयानबाजी करने की हिम्मत मुझ में भी नहीं है. रिलीजियस का मतलब धार्मिक, हर किसी के अपनी धार्मिक सोच है. कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई गुरु नानक साहब में बिलीव करता है. तो धार्मिक मतलब किसी के भी रिलीजन के बारे में जब भी बात उसकी धार्मिक सोच से जुड़ी हो सकती है, आस्था से जुड़ी हो सकती है, वहां पे हम लोग रिलीजियस यूज करेंगे. एवरी पर्सन हैज हिज रिलीजियस बिलीव, प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी अपनी खुद की धार्मिक अनुष्ठान, जो भी वो धार्मिक परंपरा ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, उनके पास वो राइट्स है. तो ये
देखिए ये बहुत एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है प्रायोरिटी। किसी के लिए करियर की प्रायोरिटी हो सकती है, किसी के लिए मनी की प्रायोरिटी हो सकती है, किसी के लिए फैमिली की प्रायोरिटी हो सकती है। तो प्रायोरिटी इज कि आपकी प्राथमिकता क्या है। जैसे मेरी प्रायोरिटी अगर मुझसे पूछा जाए तो एजुकेशन को चप्पे चप्पे तक पहुंचाना मेरी प्रायोरिटी होगी, और आई थॉट कि मेरे नेशन की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब बात हो रही है प्रायोरिटीज की तो प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकता। We need understand our priorities. हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। जब भी ऐसे हम यूज कर रहे हैं we need understand our priorities. हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। देखिए प्रायोरिटीज लाइफ के हर मोड़ पे आएंगे, हर एक जगह। कभी कभी आपके पास करियर के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उस समय एक फेज है कि आपको अब्रॉड चले जाना है, और मैं डाली में रहती हूँ तो डाली में तो मैंने देखा है कि यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को विदेशों में भेज देते हैं और बुढ़ापे में खुद अकेले रह जाते हैं। तो प्लीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है फैमिली प्रायोरिटीज होती है, और इन्हें प्रायोरिटी दीजिए। आप यूज करिए इसे प्रायोरिटीज। रिक्लूसिव अलग थलग पड़ जाना, कोई रिक्लूसिव बिल्कुल अलग थलग है या उसे बिल्कुल समाज से अलग रह के पसंद है, भीड़ से अलग थलग रहना पसंद है, वहां पे यूज करेंगे रिक्लूसिव। माय फ्रेंड लीव्स अ रिक्लूसिव लाइफ। मेरा दोस्त एक ऐसा दोस्त है जिसे बिल्कुल अलग थलग रहना पसंद है। या फिर कई बार आपको ये पता है ना कि अगर टीनेजर एज में कहीं गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो क्या होगा, रिक्लूसिव हो जाएंगे, वहां पर भी यूज कर सकते हैं। हसब, देखिए हसब अभी तक ये बहुत ज्यादा यूज होता है, और इसको यूज करिए कि कोई गलती हो जाती है तो उसे छुपा दो। होते हैं कि गलती हुई लेकिन गलती भैया कौन दिखाएगा, गलती छुपा देनी है। हसब यूज करेंगे, हसब, डोंट हसब योर मिस्टेक, अपनी गलतियां मत छुपाओ। मैंने बोला कि गलती छुपा देते हैं, और कई बार ये हसब भी है जो आपको कोई काम आपसे गलत हो जाता है और आप उस मिस्टेक को छुपाते छुपाते ऐसा छुपा देते हैं कि वो लगातार फिर आदत हो जाता है। तो अपनी गलती को मत छुपाओ। नेक्स्ट देखिए, और लाइक करते रहिए प्लीज, बहुत मेहनत करके बहुत कम लाइक देते हैं आप लोग, लाइक बढ़ा दीजिए ना प्लीज। क्या जाता है बस आपका लाइक मुझे सच में बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, आपके लाइक आपके कमेंट। तो प्लीज लाइक करते रहे। अलाइक, देखिए अलाइक का मीन्स एक जैसा होना। अलाइक माय सिस्टर एंड आई आर अलाइक, ये सच में मैं और मेरी दीदी बिल्कुल जुड़वा दिखाई देते हैं। तो कई बार स्कूल में शरारते मैं करती थी, पनिशमेंट दीदी को मिल जाती थी। मैं माय सिस्टर एंड आई आर अलाइक, मैं और मेरी बहन बिल्कुल एक जैसे है। तो मैंने यहाँ मैं और मेरी बहन के लिए यूज किया है, आप किसी और नेक्स्ट सेंटेंस को बनाइए, क्योंकि रियली मैं और मेरी सिस्टर बिल्कुल एक जैसे। अनलाइक एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो गए, इसका एक तरीके से एंटोनिम होगा। तो मैंने लिखा है अनलाइक, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। सी वो वेरी, सी इज वेरी अनलाइक हर सिस्टर, वो अपनी बहन से बिल्कुल अलग है। सी इज वेरी अनलाइक हर मदर, इस तरीके से आप कहीं पर भी इसको यूज करिए कि वो अपनी माँ से भी डिफरेंट है, अपनी बहन से डिफरेंट है। सी इज वेरी अनलाइक हर सिस्टर, तो इसका मैंने यहाँ पे एंटोनिम भी आपको साथ दिया, और एक न्यू वर्ड भी है, और इन्हें आप इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं कि बस आप अनलाइक बोले यार विजेता इज अनलाइक, ओ सोना इज डिफरेंट, तो दैट इज। नेक्स्ट वन देखिए, बहुत यूज होता है और हर किसी की आज की जरूरत भी है, और इतना चेयरफुल इतना बढ़िया वाला वर्ड है कि बस बोलिए और काम हो गया। कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई घर में गुस्सा हो जाए ना तो एक बार कॉम्प्लीमेंट देख के देखिए। मम्मा खाना बनाती है तो उसे कॉम्प्लीमेंट देख के देखिए कि बहुत बढ़िया खाना है।
आपका काम फटाफट हो जाएगा। यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ या प्रशंसा करना। और कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि आप बहुत सुंदर हैं, आपसे प्यारा तो कोई दूसरा लगता ही नहीं है। इन वर्ड्स ने ना समा बांध नहीं होती है किसी की भी। तारीफ या प्रशंसा किसको नहीं पसंद है। सी कॉम्प्लीमेंट्स अ चाइल्ड ऑन हिज गुड बिहेवियर। उसने एक बच्चे को उसके अच्छे व्यवहार के लिए कॉम्प्लीमेंट किया, उसने कॉम्प्लीमेंट दिया। तो कॉम्प्लीमेंट एक बहुत ही पावरफुल एंड एनर्जेटिक वर्ड है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। एक्सट्रीम अत्यंत या फिर अत्यधिक। एक्सट्रीम पॉवर्टी इज स्टिल एक्सट्रीम एक्साइट इन मेनी रूरल एरिया। देखिए ये बहुत बड़ा ट्रुथ भी है कि आज भी हमारे देश के रूरल एरियाज में अभी भी अत्यधिक गरीबी है। तो मैंने इसको एक काइंड हार्ट, मेरे हाथ को छू जाने वाली चीज है। और मुझे लगता है यहाँ आप अपने काइंड हार्ट को प्रेजेंट करिए कि अपनी इकोनॉमी को जितना हो सके सपोर्ट करिए। जल्द से जल्द मैंने यूज किया एक्सट्रीम पॉवर्टी स्टिल टू एक्सिस्ट इन मेनी रूरल एरियाज। बहुत से ऐसे इलाके हैं आप में से जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गरीबी मौजूद है। मैंने एक्सट्रीम को यूज किया। विस्पर, विस्पर का मीन होता है बहुत धीरे धीरे बोलना, धीमे धीमे, या फिर इतनी धीमी आवाज में बोलना कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, किसी और को ना सुने कि बहुत धीरे से। वहां पे यूज करेंगे हम लोग विस्पर। बड़बड़ाना भी होता है, बुदबुदाना, बहुत हल्का सा बोला और चुप हो गया। अब मैं अगर विस्पर करने लगू तो क्या आप ये वीडियो लेक्चर सुन पाएंगे। तो कहीं ना कहीं लिसनिंग आपके लिए बहुत पावरफुल है। विस्पर में धीमे से, बहुत धीमी आवाज में। आई कुडंट, देखिए कुड नॉट लिखा है लेकिन मैंने बोला आई कुडंट। तो जब हम शॉर्ट बोलते हैं ना तो वहां पे कुडंट बोल सकते हैं। आई कुड नॉट लिखा है लेकिन आप बोलोगे आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज विस्परिंग इन माय ईयर्स। मैं बिल्कुल नहीं सुन पाई कि वो मेरे कान में धीरे से क्या बोल रही थी, इतना धीमे बोल रही थी कि मैं खुद ही नहीं सुन पाई। तो इस जगह पे हम लोगों ने आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज विस्परिंग इन माय ईयर्स। उसने इतने धीमे से मेरे कानों में बोला कि हम उसे सुन ही नहीं पाए। ऐसी जगहों पे आप यूज करोगे। और भी जगहों पे यूज होता है। ओकेजनली सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ओकेजनली, कभी कभार या कभी कभी। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी मैं देर से घर आता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पीने निकल जाता हूँ। तो यहाँ यूज किया है मैंने वी ओकेजनली मीट फॉर अ ड्रिंक। आपको पता ही है ना कि आज की डेट में तो ये एकदम पैशन से जुड़ गया है, बट इससे दूर हो ये जितनी जल्दी हो। वी ओकेजनली मीट फॉर अ ड्रिंक। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं आपसे केवल ड्रिंक के लिए मिलने आता हूँ। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का ये अंदाज अच्छा लगता है तो प्लीज फटाफट लाइक करते रहे। आपके लाइक्स, आपके कमेंट मुझे बहुत तेज बूस्टअप देते हैं, बहुत एनर्जी आती है और दिल करता है कि बस तुरंत रिकॉर्ड करूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। यू गए, थैंक यू सो मच।